Everyone, welcome to Midlife Care System. Today we are going to do demonstration video for advanced cervical and lumbar traction therapy unit. This is LCD model, as you can see. In this device you will see static, intermittent and one harmonic mode which is extra in it. So iske sath jo main jo device aa rahi hai aapki, is device ke sath power cord rahega, uske sath ek rod aati hai, ek emergency patient switch, ek cervical collar और साथ ही साथ आपको जो है ट्रैक्शन बेल्ट मिलती है। ये मशीन आप देख सकते हैं, इस तरीके की लुक है। और इसको स्टार्ट करने के लिए जो है आपको सिंपली पावर बटन करना है, देन एडवांस थेरेपी ट्रैक्शन थेरेपी वेलकम्स यू करके लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं एंटर करने के बाद, एक प्रोग्राम और एक मेन्यू। अगर मेन्यू आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टैटिक, हार्मोनिक, इंटरमिटेंट करके ये तीन मोड्स मिल जाते हैं, जिनमें से आप किसी को भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं सिंपली यहाँ जाएंगे, देन टाइमर अपना एडजस्ट करेंगे। टाइमर एडजस्ट करने के बाद इसको आपने पुल करना है। पुल करने के बाद जो है यहाँ से ये एंटर दबाते के साथ ही प्रेस करने के बाद ये आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टैटिक रहेगा तो ये कम्प्लीटली इसमें खींचता ही रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं सिंपली रीसेट दबाएंगे। रीसेट दबाने के बाद एंटर अगेन, और प्रोग्राम अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोग्राम पे जाएंगे। प्रोग्राम पे जाके यहाँ से ये आपका, तो अगर आपने यहाँ से प्रेस करेंगे देन उसके बाद प्रोग्राम पे आएंगे। प्रोग्राम के बाद यहाँ पे आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको डबल टैप आपको इंस्टेंटली करना होगा सो डैट ये स्टार्ट नहीं होगा। देन आपको इसमें अलग अलग तरीके से 12 प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली प्रोग्राम, जैसे 8th प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ, ये हार्मोनिक मोड में आ जाएगा। पहले स्टैटिक आएगा। हार्मोनिक में क्या होता है, पहले ये स्टैटिक में जाएगा, देन ये ऑटोमेटिकली जो है इंटरमिटेंट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये 15 सेकंड तक स्टैटिक पे चलता रहेगा इस तरीके से। ये इस तरीके से चल रहा है, अभी ये शिफ्ट कर जाएगा इंटरमिटेंट में, और उसके बाद ये 26 सेकंड तक जो इंटरमिटेंट चलता रहेगा, जिसमें 7 सेकंड और ये पुल होल्ड करेगा, देन ये उसके बाद ये फिर स्टार्ट कर देगा छोड़ना। तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली वर्क करता है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। Thanks for watching this video. Have a good day. Bye-bye.